ओम नमः शिवाय। आइए श्रवण करते हैं 16 सोमवार व्रत कथा। 16 सोमवार व्रत कथा श्रवण करने से सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। एक बार की बात है, देवादिदेव भगवान शिव शंकर देवी पार्वती के साथ भ्रमण करने के लिए मृत्युलोक में अमरावती नगरी में, जो कि स्वर्ग के समान सभी सुखों से परिपूर्ण थी, वहाँ पर वहाँ के राजा द्वारा बनवाया गया भगवान शिव का दिव्य मंदिर भी था। एक बार भगवान शिव और पार्वती उसी मंदिर में निवास करने लगे। भगवान भोलेनाथ से कहा, चलो प्रभु चौसर खेलते हैं। भगवान शिव ने माता पार्वती की मान ली बात और खेलने लगे चौसर। उसी समय वहाँ मंदिर का पुजारी आया। माता पार्वती ने पूछा कि पुजारी कौन जीतेगा। ब्राह्मण ने कहा, महादेव के अतिरिक्त और कौन जीत सकता है। पार्वती जी को क्रोध आया। भगवान शिव के समझाने पर भी पार्वती माँ ने कोढ़ी होने का श्राप दे दिया। कष्ट भोगते पुजारी को बहुत दिन व्यतीत हो गए। एक दिन देवलोक से अप्सराएं उसी मंदिर में शिव पूजा करने को पधारी और पुजारी के कष्ट को कोढ़ को देखकर दया आई और कारण पूछा। पुजारी ने सारी बात बता दी। अप्सराओं ने कहा कि भगवान शिव का 16 सोमवार व्रत करो, जिससे तुम्हारे सभी दुख दूर हो जाएंगे। भगवान शिव की उपासना करो। 16 सोमवार के लिए आधा सेर गेहूं का आटा लो, 3 भाग बनाओ, घी गुड़ धूप दीप नैवेद्य फल मेवा मिष्ठान बेलपत्र जनेऊ समीपत्र अक्षत तिल काला जौ इत्यादि भगवान शिव को चढ़ाओ। चंदन अक्षत पुष्पादि के द्वारा प्रदोष काल में शिव शंकर की पूजा करो। 3 भागों में से 1 शिव को अर्पित करो और 2 शिव का प्रसाद समझकर सभी लोगों में बांटकर स्वयं लो। इस विधि से 16 सोमवार का व्रत कर लो और फिर 17वां सोमवार आए तो पाव सेर पवित्र गेहूं के आटे की बाटी बनाओ, गुड़ से चूरमा बनाओ, मिलाकर भगवान भोलेनाथ का भोग लगाओ और सभी भक्तों में बांटकर फिर प्रसाद अपने परिवार के साथ स्वयं लो। ऐसा करने से शिव शंकर प्रसन्न होकर कामनाओं की पूर्ति करती हैं। पप्सराएं कहकर स्वर्ग को चली गईं। ब्राह्मण ने उसी विधि से 16 सोमवार का व्रत किया। भगवान शिव की कृपा से रोग मुक्त हुआ और वह प्रसन्न रहने लगा। एक बार शिव शंकर माता पार्वती उस मंदिर में पुनः आए। ब्राह्मण को निरोग देख करके माता पार्वती ने कारण पूछा कि ये कैसे हुआ। ब्राह्मण ने 16 सोमवार व्रत की कथा बताई। पार्वती जी बड़ी प्रसन्न हुई और विधि पूछी बता दिया। वो व्रत करने लगी और उनका रूठा पुत्र स्वामी कार्तिकेय वो माँ से प्रेम करने लगे। कार्तिकेय जी ने पूछा, माँ ये कैसे हो गया। कहा माता पार्वती ने कि मैंने 16 सोमवार का व्रत किया। कार्तिकेय जी को अपने मित्र से मिलने की बहुत इच्छा थी, जो कि परदेश गया था। कार्तिकेय जी ने भी अपने मित्र की इच्छा से मिलने के लिए 16 सोमवार का व्रत किया। अब तो ब्राह्मण मित्र को अपने विवाह की चिंता होने लगी और वो कार्तिकेय जी के पास आया और उसने पूछा कि हम दोनों फिर मिल गए, ये कैसे हुआ। कहा 16 सोमवार भगवान शिव की कृपा से, और फिर वह भी अपने विवाह के लिए व्रत करने लगा और विदेश गया। वहाँ के राजा की लड़की का स्वयंवर था। राजा ने भी प्रतिज्ञा किया था कि राजकुमार के गले में हथनी जो भी जिसके गले में माला डालेगी, मैं उसी के साथ अपनी पुत्री का विवाह कर दूंगा। भगवान शिव की कृपा से ब्राह्मण उस स्वयंवर को देखने की इच्छा से राज्यसभा में एक ओर जाकर बैठ गया। समय पर हथनी आई, ब्राह्मण के गले में माला डाल दिया और फिर कन्या का धूमधाम से विवाह हुआ। बहुत सा धन सम्मान देकर विदा किया। एक दिन अपने पति से राजकन्या ने पूछा, हे प्रभु आप कौन सा ऐसा पुण्य किए कि हथनी ने राजकुमार को छोड़कर आपको माला पहनाया। ब्राह्मण ने कहा कि मैंने 16 सोमवार का व्रत किया, जिसके प्रभाव से तुम मुझे प्राप्त हुई। व्रत की महिमा को सुनकर राजकन्या ने भी पुत्र कामना से भगवान शिव का व्रत किया। 16 सोमवार का भगवान शिव की कृपा से सुंदर सुशील धर्मात्मा विद्वान पुत्र हुआ।
उस पुत्र को पाकर बड़े प्रसन्न हुए और जब वो बड़ा हुआ तो माँ से पूछा कि माँ हम जैसा धर्मात्मा पुत्र कैसे प्राप्त हुआ। माँ ने कहा 16 सोमवार की व्रत के प्रभाव से। और फिर राज्य के अधिकार पाने की इच्छा से पुत्र ने भी 16 सोमवार का व्रत किया। व्रत शुरू करने के पश्चात एक देश के बूढ़े राजा ने दूतों से आकर राजकन्या के लिए वरण किया। राजा ने अपनी पुत्री का विवाह ऐसे सर्वगुण संपन्न ब्राह्मण युवक के साथ करके बड़ा सुख पाया। वृद्ध राजा के ना रहने पर इसी ब्राह्मण को सिंहासन पर बैठाया, क्योंकि दिवंगत राजा के कोई पुत्र नहीं था। राज्य का उत्तराधिकारी होकर के भी वह ब्राह्मण पुत्र 16 सोमवार का व्रत किया। 17वें सोमवार को विप्र पुत्र ने अपनी पत्नी से कहा कि भगवान शिव के मंदिर में पूजा का सामान लेकर आओ, लेकिन रानी ने खुद न जाकर दास दासियों के द्वारा शिवालय में सामान भिजवा दिया, स्वयं नहीं गई हुई। जब राजा ने भगवान शिव का पूजन समाप्त किया, आकाशवाणी हुई, हे राजन अपनी इस रानी को राजमहल से निकाल दे, नहीं तो तेरा सर्वनाश कर देगी। इस आकाशवाणी को सुनने के बाद राजा के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। उसने मंत्रणा गृह किया और सभासद को बुलाकर आकाशवाणी के बारे में बताया, नहीं तो राज्य नष्ट हो जाएगा। सभी सभासद इत्यादि दुख में डूब गए, क्योंकि उसी राजकन्या के कारण राज्य मिला था। राजा उसी को निकालने की बात कह रहा था। लोगों ने सोचा ये कैसे हो सकता है, लेकिन मंत्रियों की परवाह किए बिना राजा ने अपनी पत्नी रानी को घर से निकाल दिया। रानी बड़ी दुखी हुई, बाहर चली गई, बिना पदत्राण फटे पुराने वस्त्र, भूख से पीड़ित भाग्य को कोसती हुई जा रही थी कि एक बुढ़िया मिल गई। वो बुढ़िया सूत बेचने जा रही थी। रानी की करुण दशा देखकर बुढ़िया ने कहा, चल मेरा सूत बिकवा दे, मैं तुझे कुछ पैसे दे दूंगी। यह सुनकर रानी ने बुढ़िया के सिर से उतारी गठरी और स्वयं रख लिया। थोड़ी देर बाद आंधी आई और सूत की पोटली ही उड़ गई। बेचारी बुढ़िया पछताती रह गई और रानी को भगा दिया। इसके बाद रानी एक तेली के यहाँ गई। भगवान शिव के क्रोध के कारण उसके मटके भी फूट गए। तेली ने भी रानी को घर से निकाला। बहुत दुख पाती हुई नदी के किनारे गई तो वहाँ का जल सूख गया, और एक जंगल में गई। वहाँ सरोवर में जब पानी पीने गई, जैसे ही हाथ लगाया कि उस सुंदर नील कमल सरोवर में असंख्य कीड़े हो गए, गंदा हो गया जल। रानी ने फिर भाग्य को दोष दिया, किसी तरह से इधर उधर करके जल पीकर शीतल छाया में पेड़ के बैठना ही चाहा कि सारे पत्ते ही टूट कर गिर गए। ऐसी दशा देकर वहाँ ग्वालों ने देखा तो गुसाई जी से जाकर मंदिर में बताया। गुसाई जी ने कहा, रानी को पकड़ कर ले आओ। और रानी को जब देखा तो गुसाई जी जान गए कि ये कोई अवश्य ही कुलीन स्त्री है जो विधि की मारी है। पुजारी ने रानी से कहा, मैं तुम्हें पुत्री के समान रखूंगा, तुम यहाँ रहो, कोई दुख नहीं होगा। आश्रम में रहने लगी और भोजन बनाती तो कीड़े पड़ जाते, जल लाती तो उसमें भी कीड़े हो जाते। रानी की ऐसी दशा देखकर गुसाई जी बड़े विस्मित और दुखी हुए। रानी से बोले, हे पुत्री, तुम्हारे ऊपर किस देवता ने क्रोध किया है जो ऐसी स्थिति हो गई है। पुजारी जी की बात सुनकर रानी ने शिवजी महाराज जी के पूजन की बात को बताया कि मैंने भगवान शिव का अपराध किया था। तो फिर बोले कि पुत्री, तुम सभी मनोरथ को पूर्ण करने वाले भगवान शिव के 16 सोमवार का व्रत श्रद्धा भक्ति भाव से नियम संयम से करो, उसी के प्रभाव से तुम्हें इस कष्ट से मुक्ति मिल पाएगी। गुसाई जी की बात मानकर रानी ने 16 सोमवार का व्रत किया। 17वें सोमवार को विधि विधान से पूजन किया। भगवान शिव की कृपा और पूजा के प्रभाव से राजा के हृदय में परिवर्तन हुआ और सोचने लगा, ना जाने रानी कहाँ होगी। बहुत समय बीत गया, कहाँ भटक रही होंगी, ढूंढना चाहा। सोचकर रानी को तलाशने के लिए राजा ने चारों दिशाओं में दूतों को भेज दिया। वे दूत रानी की तलाश करते हुए गुसाई जी के आश्रम पहुँचे। वहाँ रानी को पाकर उनसे रानी को अपने साथ ले जाने के लिए कहने लगे, परंतु गुसाई जी ने मना किया तो दूत चुपचाप वापस ही चले गए। रानी का पता राजा को बता दिया। रानी का पता पाकर राजा गुसाई जी के आश्रम में गए। उनसे कहा, महाराज, जो देवी आपके यहाँ रह रही हैं आश्रम में,
वो हमारी अर्धांगिनी धर्मपत्नी हैं। भगवान शिव के प्रकोप के कारण मैंने उनका त्याग किया था। अब भगवान भोलेनाथ की कृपा से फिर आज्ञा दे तो ले जाऊं। यह सुनकर गोसाई जी बड़े प्रसन्न हुए, भगवान शिव को धन्यवाद दिया और उन्होंने रानी को राजा के साथ जाने की अनुमति दे दी। राजा बड़ी प्रसन्नता के साथ रानी को महल में लेकर आया। सारे राज में उत्सव मनाया गया, प्रसन्नता की लहर दौड़ गई। भगवान शिव का दिव्य भव्य मंदिर भी बनवाया। सारी प्रजा ने अपनी रानी के आने की अपेक्षा की और खुशी मनाई। राजा और रानी फिर नियम पूर्वक 16 सोमवार का व्रत करते हुए इस धरती भूलोक पर आनंद पूर्वक निवास करने लगे। अंत समय में उन्हें मोक्ष की भी प्राप्ति हुई। इस तरह से जो भी नर नारी भगवान शिव की उपासना आराधना करता है, देवादिदेव महादेव शिव शंकर उसकी सभी मनोकामनाओं की पूर्ति करते हैं। इस तरह से 16 सोमवार का व्रत पूर्ण हुआ। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, नमः पार्वती पतये। भगवान शंकर की जय, उमापति महादेव की जय।